डियर फ्रेंड्स, दिस इज निशांत रस्तोगी एंड यू आर वॉचिंग CNRI। डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस चैनल के बारे में बताना चाह रहा हूँ। इस चैनल की शुरुआत एक्चुअल में केमिस्ट्री डाउट सॉल्विंग से शुरू हुई थी। स्टूडेंट को बहुत सारे डाउट आ रहे थे और बुक्स में उनको ऑथेंटिक डाउट करेक्शन नहीं मिल पा रहा था, ऑथेंटिक आंसर नहीं मिल पा रहा था, और साथ ही साथ मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करनी थी। तो एक एक कॉन्सेप्ट लेके कि ऑथेंटिक नॉलेज देनी है और मिनिमम टाइम में मैक्सिमम स्टडी करानी है, इस कॉन्सेप्ट के साथ इस चैनल की शुरुआत हुई थी। बाद में स्टूडेंट की डिमांड आने लगी कि सर ये वीडियो वो वीडियो, तो फिर डिफरेंट डोमेन के और डिफरेंट सब्जेक्ट के कई सारे वीडियो को इसमें अपलोड किया गया, जो कि क्लास 5th से स्टार्ट हैं। आप इसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तमाम वीडियो हिंदी मीडियम के हों, चाहे वो इंग्लिश मीडियम के हों, और किसी भी लेवल के हों, लगभग सारे लेवल के वीडियो आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। अभी तक लगभग 1800 प्लस यानी 1800 प्लस वीडियो जो है वो इस चैनल पर अपलोड किए जा चुके हुए हैं, जो कि डिफरेंट डोमेन के हैं। आप एक बार प्लेलिस्ट सर्च करेंगे, आई होप कि आपके काम के वीडियो यहां पर मिल जाएंगे। आपका प्यार लगातार मुझे मिल रहा है और ये आगे भी मिलते रहना चाहिए, क्योंकि ये मोटिवेशन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बट अभी के डेटा के हिसाब से, आज के डेटा के हिसाब से अगर मैं देखूं, तो लगभग 75% व्यूअर्स जो हैं वो इस चैनल के नॉन सब्सक्राइबर हैं। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, केवल 25% व्यूअर्स ने ही सब्सक्राइब किया हुआ इस चैनल को। तो भाई, सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, और अगर आपका कोई भी कमेंट्स है, कोई सजेशन है, तो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्लीज़ इसको करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट्स करते रहिए। आप भी मोटिवेटेड रहिए और मुझे भी मोटिवेटेड करते रहिए। बस यही आशा के साथ वीडियो शुरू करते हैं। आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि हायर ऑर्डर ग्रेटर देन 3 रिएक्शंस आर रेयर ड्यू टू। ऑप्शन ए दिया हुआ है लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजंस ऑफ ऑल रिएक्टिंग स्पीसीज। बी दिया हुआ है इंक्रीज इन एंट्रोपी एंड एक्टिवेशन एनर्जी एज मोर मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड। सी दिया हुआ है शिफ्टिंग ऑफ द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द रिएक्टेंट ड्यू टू इलास्टिक कोलिजंस। एंड डी दिया है लॉस ऑफ एक्टिव स्पीसीज ऑन कोलिजंस। देखिए, सबसे पहली बात तो समझिए कि आपसे कह रहा है कि जो हायर ऑर्डर ग्रेटर देन 3 यानी कि थर्ड ऑर्डर से ज़्यादा की ऑर्डर आपको क्यों नहीं मिलती है। तो वो एक्चुअल में इफ़ेक्टिव कोलिजंस होंगे, अगर पॉसिबल हैं तब तो मिलेगी, और इफ़ेक्टिव कोलिजंस पॉसिबल नहीं है तो नहीं मिलेगी। तो कैसे भाई, इफ़ेक्टिव कोलिजंस क्या होते हैं? तो देखिए, इफ़ेक्टिव कोलिजंस जो होते हैं वो कोलिजंस होते हैं जिनके लिए दो कंडीशन जो होती हैं वो ज़रूरी होती हैं। जब ये हम समझ लेंगे तो हमको आंसर तुरंत आ जाएगा। क्या? पहली बात तो ये कि इनमें प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए? प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। कैसे भाई? देखो, सपोज करो कि ये ए है मॉलिक्यूल, और ये ए मॉलिक्यूल है, और ये बी मॉलिक्यूल है, ये बी मॉलिक्यूल है। अब ये दोनों जो होंगे, जब आपस में टकराएंगे, तो टकराने पर जो होगा कोलिजंस होगा, और कोलिजन होने पर आपको ए बी प्रोडक्ट जो होगा वो मिल जाएगा। बट मान लो कि ए मॉलिक्यूल ये है और बी मॉलिक्यूल जो है वो कुछ इस तरह का ओरिएंटेशन में है, तो उस केस में ये दोनों जो होंगे नहीं टकरा पाएंगे। या बी मॉलिक्यूल इस तरह का ओरिएंटेशन में है तो इनमें कोलिजंस होगा, वो उतना अच्छा प्रॉपर कोलिजंस नहीं होगा, और उस केस में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो होगा वो नहीं होगा, तो आपको ऑर्डर यहाँ पर नहीं मिलेगी। दूसरा ये कि इनमें प्रॉपर एनर्जी होनी चाहिए, यानी कि इनमें प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो प्रॉपर एक्टिवेशन एनर्जी मॉलिक्यूल में हो, और साथ ही उनका प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, तब ये पॉसिबल हो पाएगा। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, देखिए ऐसा है, मान लीजिए कि दो मॉलिक्यूल जो होंगे वो टकरा रहे, सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो कर रहे हैं, तो ये मॉलिक्यूल ऐसे टकरा गए विद इन अ टाइम। क्या ये पॉसिबिलिटी बहुत ही कम होती है कि इसी टाइम पे तीसरा मॉलिक्यूल भी इससे आके टकरा जाए? दो तो टकरा गए, समझ रहे ना, लेकिन तीसरा भी इसी समय आके टकरा जाए, ये पॉसिबिलिटी भी कम होती है। इसीलिए थर्ड ऑर्डर रिएक्शन भी रेयर होती है, ठीक है ना, वो भी कम मिलती है आपको। और अगर आप फोर्थ की बात कर रहे हो, फिफ्थ की बात कर रहे हो, तो ये ऐसी पॉसिबिलिटी कहाँ है कि चार मॉलिक्यूल एक साथ प्रॉपर ओरिएंटेशन में, प्रॉपर एनर्जी में आके टकरा जाए? तो ये वैल्यू जो होती है, ये पॉसिबिलिटी क्या होती है, बहुत ही कम होती है। इसकी वजह से ही आपको जो हायर ऑर्डर रिएक्शन है वो नहीं मिल पाती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर ऑप्शन जो दिए गए वो क्या क्या दिए गए उनकी बात करें। तो पहला दिया है कि लो प्रोबेबिलिटी ऑफ साइमल्टेनियस कोलिजंस ऑफ ऑल रिएक्टिंग स्पीसीज, यही आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी तीनों आप देख लो। पहला कह रहा है कि इंक्रीज इन एंट्रोपी एंड एक्टिवेशन एनर्जी
एज मोर मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्व्ड। तो देखिए, अगर एंट्रोपी आप बढ़ाते हो तो होगा, लेकिन अगर एक्टिवेशन एनर्जी भी आप बढ़ा दोगे तो फिर वो रिएक्शन नहीं हो पाएगी, क्योंकि लो एक्टिवेशन एनर्जी, भाई अगर कोई मॉलिक्यूल को एक्टिव करने के लिए आपको कम एनर्जी देनी पड़ रही तो वो एक्टिव हो जा रहा है तो रिएक्शन करेगा, और आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ रही है तब वो एक्टिव कर रहे हो तो रिएक्शन की पॉसिबिलिटी कम हो जाएगी, यानी ये नहीं होगा। अगला करेंगे शिफ्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स द रिएक्टेंट ड्यू टू इलास्टिक कोलिजंस। इलास्टिक कोलिजंस होते हैं, बहुत सारे इलास्टिक कोलिजंस ही होते हैं, बट ये वाला पॉइंट कि रिएक्टेंट की तरफ शिफ्ट हो जाता है इक्विलिब्रियम, ऐसा नहीं होता। उसके बाद कह रहा है कि लॉस ऑफ एक्टिव स्पीसीज ऑन कोलिजंस, तो ये भी यहाँ पर नहीं है। अगर प्रॉपर ओरिएंटेशन नहीं है तो एक्टिव स्पीसीज होगी उसका लॉस कहाँ हो जाएगा, वो तो फिर क्या होगा, वो टकराएगा, इलास्टिक कोलिजंस होगा और दूर हो जाएंगे, वास्तविक प्रोडक्ट का फॉर्मेशन ही नहीं होगा। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन तभी होगा जब यहाँ पे पॉसिबिलिटी जो होगी वो ज़्यादा होगी, बट मैंने आपको जैसे बताया कि ज़्यादा मॉलिक्यूल को अगर आप टकराओगे, कोलाइड करोगे, तो उनमें पॉसिबिलिटी जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। तो यहाँ पर लो प्रोबेबिलिटी वाला ही आंसर सही होगा, आंसर ए जो है वो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा।